तो आप बताओ आपकी कैसे ये मशीन काम करती है पीछे ये से? सोडा वेंडिंग मशीन है, फ्लेवर सोडा बनाती है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, वॉल्स हैं, एसी वॉल्स से कनेक्टेड है, 1.5 टन का एसी लगा हुआ है। कंप्रेसर इसके इनसाइड है जो पानी को ठंडा करता है, और टैंक से जो पानी आ रहा है डायरेक्ट अंदर फिल्टर होके, और आगे ये मशीन में पानी और गैस मिक्स करके कन्वर्ट करके आगे दे रहे हैं। अच्छा, ये क्या चीज होती है? ये CO2 गैस है। CO2 गैस है, ये गैस यहाँ से डायरेक्ट जा रही है फ्लेवर सिलेंडर्स में। ये फ्लेवर्स के सिलेंडर हैं। अच्छा। एक निप्पल इसमें फ्लेवर का है, एक निप्पल एज इट इज सेम निप्पल गैस का है। ये इसमें से गैस और फ्लेवर को मिक्स करके आगे सेंड कर रही है। ये टेम्परेचर मशीन है, ये टेम्परेचर मेंटेन करती है। जितने टेम्परेचर पे हम इसको सेट करेंगे, ये उतने टेम्परेचर पे हमें कूलिंग आगे देगी। अच्छा, और ये सिलेंडर में क्या होता है, मतलब एक बार ये दिखाओ कि सिलेंडर निकाल के कोई खराब सा हो, या वो दिखा दो। सिलेंडर क्या होता है? अच्छा, ये फ्लेवर डालने के लिए होता है क्या? ये एज ए कुकर की तरह, ढक्कन की तरह होता है ये। इसको खोलते हैं हम, प्रेशर किया, इसके अंदर फिल किया हमने। तो इसमें हम जो है फ्लेवर डालते हैं, फ्लेवर डालते हैं और पानी ऊपर से आता है, पानी ऊपर से आता है फ्लेवर। पाइप के थ्रू गैस जाती है, पानी जाता है? इस पाइप के थ्रू गैस और फ्लेवर जाएगा आगे। अच्छा, हाँ जी, पानी डायरेक्ट मशीन से आगे सर्व हो रहा है। अच्छा, एक में पानी होता होगा, एक में फ्लेवर होता होगा। हाँ जी सर। अच्छा जी, तो ये टोटल कितने की पड़ जाते हैं अगर कोई अपना स्टार्ट करना चाहता हो? ये सभी का अलग अलग रेंज का है। जितने फ्लेवर की आप मशीन लोगे उतने ही रेंज में आती है। अच्छा। जैसे 4 से 6 फ्लेवर की लोगे तो वो 1.5 से 2 लाख की पड़ती है, और 12 फ्लेवर की लोगे तो वो 3-1 लाख की पड़ जाती है, 2.5 से 3 लाख। और ये 16 फ्लेवर की मशीन है, ये 3.5 लाख की पड़ती है। अच्छा, तो कहाँ से लेनी पड़ती है ये? ये मैन्युफैक्चर तो होती है ये गुजरात से, तो वहीं से ही इसका सारा स्पेयर पार्ट्स आता है, और दिल्ली में ये असेंबल्स होती है। और ये गैस अभी कितने महीने में खत्म हो जाती है और कितना भरना पड़ता है इसमें? ये 4 से 5 हजार ग्लास देती है हमें। 4 से 5 हजार ग्लास फिल करती है ये गैस, उससे ज्यादा नहीं। और इसकी कीमत कितनी आती है रिफिल कराने की? रिफिल कराने की फिलहाल चल रही है गैस की 550 से 600। कहाँ पर होती है? खुद ले जाना पड़ता है? मार्केट से ले जाना पड़ता है, गाड़ी में उठा? हाँ जी, ये ले जाना पड़ता है, वहाँ रिफिल दूसरा सिलेंडर मिलता है हमें, वो ले आते हैं। अच्छा, फिल सिलेंडर आता है पीछे से। अच्छा, वो दूसरी भी वही कार्बन डाइऑक्साइड सेम सिलेंडर होता है, CO2 ही गैस डलती है। अच्छा अच्छा, और इसका क्या रेट पड़ जाता है ये जो आपका ये है फ्लेवर वाला सिलेंडर? ये फ्लेवर सिलेंडर इसका भी अलग अलग प्राइसेस है, 2500 से शुरू हो जाते हैं ये। अच्छा। और वैसे अगर नॉर्मल कोका कोला का लेंगे हम सिलेंडर तो वो 4.5 के आसपास पड़ता है, 4,500 का। कोका कोला का अलग होता है क्या? अलग होता है, कोका कोला कंपनी है एक, वो मैन्युफैक्चर करती है। स्टील्स के बनते हैं ये भी, तो इसके अंदर भी काफी चीजें। तो ये सिंपल वाला है या कोका कोला वाला? ये कोका कोला वाले हैं सभी सिलेंडर्स। अच्छा अच्छा, फ्लेवर अपना बनाना होता है? फ्लेवर अपना बनना। तो फ्लेवर के लिए भी कोई बोतल आती है या खुद ही बनाते हो? नहीं, फ्लेवर्स के पैकेट्स आते हैं, पाउच होते हैं वो हमें, जैसे अपोलो कंपनी का है, हिमालय का है, वो अलग अलग कंपनीज प्रोवाइड होती है। अच्छा। उसके अकॉर्डिंग वो पाउच मिलते हैं, वो लेके आते हैं मार्केट से मिलते हैं। चलो हम इसका फ्लेवर फ्रंट देखते हैं। तो ये अब इनका फ्रंट है, तो ये है कि ये 16 फ्लेवर मशीन है। इसमें 14 गैस के फ्लेवर है, उसके अलावा 2 टूटी जो आप बिना गैस के फ्लेवर बनाना चाहते हैं, तो 2 टूटी से भी आप बिना गैस के फ्लेवर दे सकते हैं। तो अच्छा, ये आपको दिखाएंगे। वैसे अभी थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, तो इसमें जो है जैसे कि चल रही। अच्छा अच्छा, इसमें जो है कि पानी आता है और एक से फ्लेवर आता होगा। ये रिले सिस्टम है, एक बार खोल के दिखा दो। अच्छा अच्छा, ये रिले सिस्टम है पूरा, ये रिले है, ये ही गैस और पानी को उठाती है पीछे से। इसमें 2 रिले है, अभी फिलहाल मशीन चल नहीं रही है, ऑफ पड़ी है। तो ये एक साइड से पानी
और गैस आएगा, एक साइड से फ्लेवर। जब हमारी मशीन चलेगी, मोटर चलेगी, मोटर और पंप, वो पंप गैस को और पानी को आगे सेंड करेगा इसमें। ये रिले सिस्टम हमें आगे उठा के दोनों चीजें मिक्स करके, पानी और गैस और फ्लेवर, तीनों चीज मिक्स करके आगे देगा। तो कितने की आपको यानी देते हैं, यानी बड़ा गिलास 10 का और छोटा पांच? छोटा गिलास 5 का, बड़ा गिलास 10 का सर। तो इतनी कॉस्ट हो जाती है, मतलब रेट में करनी पड़ती है सर? अब तो वैसे ही महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, चीनी के रेट बहुत ज्यादा हाई हो गए हैं। तो प्योर चीनी रहती है, सक्रीन रहती है? नहीं, प्योर चीनी बनाते हैं, चीनी से ही फ्लेवर का टेस्ट आता है। और सक्रीन अगर यूज करेंगे तो उससे तीखापन ज्यादा आ जाता है। तो हमने आज तक करी नहीं है अभी तक तो सक्रीन का, क्योंकि उसका अंदाजा ही नहीं है। चीनी से ही बनाते हैं, चीनी का ही सारा। तो ये है सोडा मेकर वाहेगुरु का, तो पटेल नगर में है। और आप क्या क्या सर्व करते हो? इसके अलावा रोल्स हैं, वेज रोल, एग रोल, चिकन रोल और सैंडविच, एग बर्गर और मोमोज हैं, वेज मोमोज, पनीर मोमोज और चिकन मोमोज। अच्छा अच्छा, तो ठंड में कैसे चलता है काम? मतलब ठंड में तो फ्लेवर सोडा बहुत कम लगता है, नामात्र ही है, बट ये है कि हाँ ठंडे के साथ गर्म लग जाता है। अच्छा। और गर्म के साथ ठंडा लग जाता है। अच्छा अच्छा, तो मतलब आपको ये लगता है कि आपने थोड़ा रिस्क ले लिया, कम से कम 3.5 लाख की मशीन ले ली? और मतलब नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ वो नहीं है, रिस्क तो लाइफ इज अ रिस्क, लेना पड़ता है। तो इसकी मेंटेनेंस में कुछ खर्चा पड़ जाता है? मेंटेनेंस तो रहती है जी इसमें, मेंटेनेंस बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है इसका, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती है, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स इसकी बहुत कॉस्टली पड़ती है। तो ये थे, आपको क्या नाम है वैसे? मेरा नाम रोहित है, जवानगर। तो ये है पटेल नगर में है सोडा वाई सोडा शॉप है, गुरु सोडा शॉप। तो आपका स्वागत करते हैं, आप जरूर आएँ और इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, कोई डाउट्स हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।